डॉक्टर फैसल बशीर, नो डाउट ही वाज ऑलवेज माय आइडियल। वो किंग क्यों कहा जाता है, इसकी वजह शुरू क्या है? 12 डिसीज मेरे ऊपर लगी है। 2016 में हमारा जो स्कर्दू का ट्रिप हुआ था, प्रिंसिपल की गाड़ी का टायर पंचर किया था। कॉलेज में कोई तो क्रश रहा होगा आपका? फाइनेंस M1 बैच हमेशा मैं मिस करता हूँ। आपके हम पिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, आपके हम पिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील आरफ और आप देख रहे हैं एडी कश्मीरी टीवी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खूब मज़े से इंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो लेजेंड्स ऑफ MBBS MC में हम मिलाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारीफ के मुताज नहीं है, जिनका तलक सरहद के उस पार कश्मीर से है। आज की इस वीडियो में हम आपको उनसे मिलाएंगे और उनकी ज़िंदगी के मुतलक दिलचस्प सवालात पूछेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई कैसे हैं आप? ठीक है, खुदा का ठीक ठाक। खैरियत से आप? ठीक है, खैरियत से बस, शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। हाँ भाई, मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को आप अपना तारुफ खुद कराएं। अदील, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पे आए आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर साहब मुस्तफ़ा खान, अभी मैंने अपनी हाउस जॉब कम्प्लीट की है THQ से और मुझे तकरीबन 11 साल हुए घर से आए हुए, और 10 साल मेरी डिग्री के थे और 1 साल मेरी हाउस जॉब के, और अभी रिसेंटली मेरी हाउस जॉब कम्प्लीट हुई है। कल मेरा लास्ट वर्किंग डे है। तो इट वॉज अबाउट 10 or 11 years। जब आप श्रीनगर से मीरपुर आज़ाद कश्मीर की तरफ आए थे, तो उस वक्त आपके क्या जज्बात थे, क्या ख्याल थे और आपने इसको कैसा पाया? जब आया था ऑब्वियसली हाई एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ पे आने के लिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंसिस्ट किया था यहाँ आने के लिए, तो एक अच्छी एक्सपेक्टेशंस लेके मैं आया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा पाया शहर को। 11 साल किसी भी दूसरे शहर से यहाँ पे आने के लिए और जिस तरह से लोगों ने मुझे वेलकम किया यहाँ पे, everyone was heart welcoming, दोस्त मिले, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं आया, तो उसी एक्सपेक्टेशंस पे मैंने यहाँ 11 साल गुजारे हैं। सर, आपने मीरपुर में 12 साल गुजारे, तो आप इस सारे अरसे को कैसे समराइज करेंगे वो हमें बता दें। इसको समराइज करना इतना आसान नहीं है, बस वो मैं इतना कहूँगा कि बस गुजर गई, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल भी रहीं, अच्छा वक्त भी देखा, मगर यह है कि इसे समराइज नहीं कर सकते। बस इतनी ही मैं बात कहूँगा कि वक्त था, आया और गुजर गया। तमा भाई, आपने यहाँ पे 10 बैचेस के साथ इंटरेक्ट किया 2012 से लेकर 2023 तक, तो आप क्या चेंज फील करते हैं जो फर्स्ट बैच था और आज जो बैच इस वक्त जूनियर फर्स्ट ईयर में है, उसमें क्या तब्दीलियाँ आई और क्या चेंजेस आए तो हमें बता दें। जो हमारे जो शुरू के बैच थे या जो शुरू का वक्त था, तो उसमें जो आपका जो ये है टेन्योर, आप तो ज़्यादातर यह है कि कैरियर ओरिएंटेड स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो पहले जो था वो अपने कैरियर ओरिएंटेशन तो थी मगर मल्टी टास्क बैच थे। आप देखें उन्हें तो पोइट्री में भी और अदब में भी, लिटरेचर के हवाले से हो, पॉलिटिक्स के हवाले से हो, सो दे वे मल्टी जॉब ओरिएंटेड पर्सन। बट अनफॉर्चुनेटली जो अभी की जो बैच आ रहे हैं आप उनमें ज़्यादा देख सकते हैं कि वो ज़्यादातर कैरियर ओरिएंटेड है, तो ये एक जो है डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व किया पहले बैच और अब में। हमारे अगर आप बैच की तरफ जाएँ तो आपको उनमें अच्छे अदीब भी मिलेंगे, ठीक है, आपको उनमें अच्छे प्लेस भी मिलेंगे, उनमें आप देखें कैरियर ओरिएंटेशन के हवाले से तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हैं, तो उन्होंने मतलब कि उनकी जो डायमेंशन थी या उनकी जो वो मल्टीपल थी, तो अभी यह अभी सिर्फ जो है वो एक कैरियर ओरिएंटेड ही रह गई है, तो यही एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। समा भाई, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कॉलेज में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चाहते थे कि आपके अपने दौर में हो? अब बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, बट जिस चीज़ को मैं ज़्यादा फोकस करके था वो था कि यूनिवर्सिटी हो जानी चाहिए थी। आपको शायद याद हो 2016 में यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस पास हो गया था, उस वक्त की जो आज़ाद कश्मीर की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, फरवरी के सेशन में MBBS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के नाम से यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट जो है ना वो ऑर्डिनेंस उसका अप्रूव हुआ था, वो बिल नहीं पास हो सका। तो वो एक है कि मतलब मेरा एक शौक किया और मेरी दुआ भी है कि आज़ाद कश्मीर की जो पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो चाहे वो एजाज़ जो है वो इस कॉलेज को मिले, तो 2016 में वो बात पूरी ना हो सकी और मेरी हमेशा दुआ है कि वो इन फ्यूचर वो पूरी होगी। समा भाई, कॉलेज में आपका आइडल कौन रहा है? डॉक्टर फैसल बशीर, नो डाउट ही वाज ऑलवेज माय आइडियल। और सर को तो हम 2013 से मतलब मैं हम जानते हैं और उनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, सिम्पोजियम्स थी, उसके अलावा हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस हुई, स्पोर्ट्स के हमारे टूर्नामेंट्स हुए हैं, तो सर के साथ तकरीबन 10 साल हमने काम किया है और उनको हमने एज एन एसिस्टेंट प्रोफेसर से प्रिंसिपल का सफर बनते हुए हमने उनको देखा है, मगर बहुत खुशी है।
बहुत बेहतरीन टीचर भी हैं और टीचर के वजह से आपके इतने बड़े भाई की तरह भी हैं और हमेशा आपको गाइड करते हैं। तो मैं अगर मैं कहूँ एक वर्ड में तो डॉक्टर कैसर जी। साहब भाई, सुना है कि इस कॉलेज की हिस्ट्री में अभी तक जो आपके पास एक मुफरत रिकॉर्ड मौजूद है कि सबसे ज़्यादा डिसीज आप पे ऊपर बैठी हुई हैं, तो इसके बारे में बताएं हमें कि ये क्या सीन था कि आपके ऊपर इतनी डिसीज कैसे बैठ गई। 12 डिसीज मेरे ऊपर लगी हैं और अभी जाते जाते भी मेरे ऊपर एक डीसी लगने वाली थी, तो शायद ये कहने की किस्मत की बात है कि डीसी और मेरा बड़ा पक्का रिश्ता है। असल में जब हम शुरू में आए तो हम टोटल में हम 35-36 लड़के थे, तो आपस में ही हम भाई भी, दोस्त भी, दुश्मन भी, तो क्रिकेट भी खेलनी, फुटबॉल भी खेलनी, तो छोटी मोटी बातों पर कहते हैं बर्तन खड़क जाते हैं। तो किसी बात पर अगर नाराज़गी हो गई आपस में दोस्तों में या कहीं एडमिन वालों के साथ, तो फिर इस तरह से कोई ना कोई डीसी चलती रही थी। तो एक वक्त ऐसा भी टाइम था जब मैं 3-3 डीसीज मेरे पे चल रही थी, एक महीने के अंदर 3 डीसी चल रही थी, तो मैं एक डीसी को पेशी भुगतने के बाद दूसरी डीसी भुगत रहा था, तो वो वक्त भी गुजारा है। और 13 डीसीज, बस ये है कि लेटर नोट पे बाद में इंसान रियलाइज़ करता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, बट अब 13 डीसीज है मेरे नाम पर। तो कोई एक डीसी के बारे में बता दें कि कोई यादगार कोई हो कि प्रिंसिपल की गाड़ी का टायर पंचर किया था, ये बिल्कुल फर्स्ट ईयर में की बात है। तो इसी बात पे जो है ना प्रिंसिपल साहब क्लास में आके जो है ना कि आपने अपने अटेंडेंस मेंटेन करें, सारा कुछ करें, तो बड़ा ना खुफत होती थी इन बातों से। इस तरह से कभी सख्ती दिखी नहीं थी, तो गाड़ी मुझे बाहर नज़र आई प्रिंसिपल की, तो मैंने पंचर कर दिया और बाद में उन्होंने मुझे जो है ना आइडेंटिफाई कर लिया कि मैंने किया, तो तकरीबन एक महीना वो भुगती मैंने, और उस वक्त 7,000 रुपये जुर्माना हुआ और मेरी कोई 7 दिन हाजिरियाँ कटने के बाद तो जो है ना मैं बड़ी रुजिमा हुआ। सवा भाई, आपको किंग क्यों कहा जाता है, इसकी वजह शुरू क्या है? किंग नाम मेरे इमीजिएट जूनियर है कैप्टन तलाल चौधरी, M2 बैच से उनका ताल्लुक है, ये उन्होंने नाम मेरा रखा तलाल ने किंग, और मुझे नहीं मालूम उसके दिमाग में क्या बात चल रही थी, उसने मेरा नाम किंग रखा। और पहले तो जब वो दोस्त यार थे इफ्तिखार, मुदसर, वो वाला फराज भाटी वाला ग्रुप जब था तो किंग किंग, बट बाद में जो है ना वो वक्त के साथ वो किंग मेरा तख्लिया कलाम बन गया और सारे जो मुझे किंग कहते हैं। अगर मुझे कोई पूछता भी अक्सर कि आपको किंग क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब तलाल के पास ही होगा कि उसके जहन में क्या बात आई है, उसने मेरा नाम किंग रखा है। सो भाई, कॉलेज में आपकी सबसे खूबसूरत यादगार और कौन सी ऐसी मेमोरी है जो अभी तक आपको याद है? दो मेमोरीज मुझे हमेशा याद रहेंगी। 2016 में हमारा जो स्कर्दू का ट्रिप हुआ था 8 दिन का, और स्कर्दू बहुत दूर है आपको पता भी है, 8 डेज का हमारा ट्रिप था और अलहमदिल्ला बहुत अच्छे से वो ट्रिप हुआ। ट्यूसडे को हम गए, मंडे को हम वापस आए थे नेक्स्ट वीक के, एंड अलहमदिल्ला बहुत सेफ एंड साउंड। वो हमेशा ट्रिप मुझे याद आएगा क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेट किया और इतने लंबे सफ़र को, इतने लंबे ट्रिप को हमें कामयाब बनाया, उसके बाद तो कभी मेरे ख्याल से इतना लंबा ट्रिप कभी नहीं हुआ। और दूसरा मेरा फाइनल ईयर का रिजल्ट जो 2 सितंबर को आया, अनएक्सपेक्टेड, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था रिजल्ट उस दिन आएगा, और जब आया तो ये दो मेमोरीज हमेशा मेरे लिए बहुत खास हैं। इस वक्त आप कॉलेज में कौन सी चीज़ मिस कर रहे हैं? फाइनल ईयर M1 बैच हमेशा मैं मिस करता हूँ इस कॉलेज में, और हमेशा कभी वो महफिलें, वो हमारी रात सारी पॉलिटिकल डिस्कशन कभी किसी मुद्दे को लेकर, तो आई ऑलवेज मिस फाइनल ईयर। और उनके जाने के बाद आई नेवर फेल्ट द कॉलेज, मुझे कॉलेज में सब ऐसा नहीं लगा। तो इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत चीज़ और जो था वो फाइनल्स थे, और वो हमेशा ही मैं मिस करूँगा। सवा भाई, कॉलेज में कोई तो क्रश रहा होगा आपका? 11 साल गुजारे हैं तो क्रश तो रहा ही होगा, वो बस जो कुछ है मेरे पास ही। सवा भाई, आपने 10-12 साल इस कॉलेज में गुजारे, तो अब इन फ्यूचर इस कॉलेज को आप कहाँ देखते हैं? कॉलेज में यूनिवर्सिटी बनते हुए देख रहा हूँ इंशाल्लाह, और उसके अलावा अभी आप देखिए यहाँ पे डिप्लोमा के कोर्सेज भी स्टार्ट होने वाले हैं अलाइड के, और ये आगे जाके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनना है, बन भी रहा है और ये कंप्लीट हो जाएगा 2-3 साल तक आप लोग इसकी जो है ना नेक्स्ट फेज देखेंगे। तो यहाँ पे आपके जो मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं वो, और साथ जो अलाइड के हैं वो, ये चीज़ें भी होंगी, तो ये आगे जाके एक यूनिवर्सिटी होगी बड़े लेवल की, तो इसे मैं एक जो है ना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देख रहा हूँ आगे जाके। सवा भाई, आपका कोई पसंदीदा शेर हुई हो वो हमें सुना दें। अब के हम पिछड़े हैं तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। भाई, लास्ट में स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
स्टूडेंट्स के लिए सीधा सिंपल सा मैसेज है, जो लेगेसी अभी तक चल रही है कॉलेज की, आप देखें राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट बैच अभी तक हमारे जो रेट ऑफ पार्ट वन जिन्होंने पास किया है, उसके बाद बहुत सारे हमारे यूरोप से चले गए, तो जिस तरह से जो हमारे एकेडमिक्स में सक्सेस है वो बहुत अच्छी है, तो लेगेसी बनी हुई है, उसे बस कायम रखनी है। और जो अभी जूनियर्स आ रहे हैं माशाल्लाह, वो उम्मीद है कि जो गुजरे हुए बैच से उनका रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, सो कीप डूइंग द गुड वर्क और इंशाल्लाह अल्लाह सबको कामयाब करे, हमारी कामयाबी ही इस कॉलेज की कामयाबी है। आमीन।